सबसे पहले तो हम आप सब का स्वागत करते हैं उसके बाद मैं मैडम जी का तो और ज़्यादा स्वागत करते हैं क्यों करते हैं कि एक मैडम जब देखते हैं तो मुझे वो चीज़ याद आते हैं तो जब मैं पाँच साल का उम्र में था मेरे मम्मी पापा और दोनों पाकिस्तान गया जाने के बाद मेरा जो मैडम आपको देखने के बाद ये टॉपिक कुछ और जगह पे हट रहे हैं तो आप लोग माफ़ कीजिए मैं कहानी अभी चल रहा है तो वो मैडम को देख कर कुछ कहानी याद आते हैं वो क्यों याद आते हैं कि जब मेरे उम्र पाँच साल थे मेरे मम्मी पापा पाकिस्तान चला गया तो मुझे देखने वाला कोई नहीं था इंडियन आर्मी और बिलखसूस हमारा लारासीकोट तो उसमें मैं दो कहानी बता दूँ जब मैं पाकिस्तान गया तो मेरा मम्मी पैंतालीस साल बाद मैं अपना मम्मी से मिला मिलने के बाद मेरा मम्मी एक बेटे से पैंतालीस साल बाद मिलने के बाद क्या पूछें बेटा हम आपको पाँच साल में छोड़ कर आना पड़ा हम आपका माँ नहीं बन सका और आपको उस माँ ने इतना आपको अच्छा तरबियत दी कि आपको देखने के लिए पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग आते हैं आपको सुनने के लिए पाकिस्तान के बड़े बड़े कमिश्नर साहब से लेकर बड़े बड़े लोग आपसे मिलने के तड़प है और बल्कि आपको टाइम नहीं मिलता है तो इतना अच्छा आदमी इतना मेहनती या इतना सच्चा आदमी आपको पूरा पाकिस्तान पसंद करते हैं तो वो किसने बनाया कैसे बनाया क्या खिलाते थे क्या मतलब पूछते हैं तो एक यतीम आदमी को देखने के लिए दुनिया आते हैं हमारा देश तो छोड़ो पाकिस्तान में इतना इज़्ज़त मिलता है तो एक माँ तो पूछेगी तो आंखों में आंसू बहते थे और कहते थे बेटा आपको क्या खिलाते थे कौन था आपको वो इतना अच्छा आदमी बनाने वाला एक दिन भी आपसे कुल नहीं गया तो मेरे पास और कोई ज़बान नहीं होता क्योंकि मामू ना मामू था ना चाचा था ना दादा था ना कुछ नहीं था तो मेरे पास सिर्फ वही था हवलदार साहब ये करते थे सूबेदार साहब वो करते थे तो बस यही एक कहानी होता तो फिर मेरा माँ आखिर में ये कहता बेटा आंखों में आंसू तो है पानी की तरह बह रहे हैं कहते हैं कि उस माँ को मेला सलाम कहना जो आपको इतना अच्छा तरबियत दी तो आज कोई भी वर्दी में जो आते हैं लाउ सिकोट हो या इंडियन आर्मी तो मैं फट जा के मैं कहते मेरे माँ ने आपको सलाम भेजा है ये एक मैंने आपको कहा आपका ये सफ़ेद बाल को देखकर ये टॉपिक बदल गया इसके एक बहुत बड़ी रीज़न है जब मैं छोटा था मेरा पाँच साल उम्र की थे तो जब सिपाही अपना ड्यूटी पे यहाँ आते थे मतलब दो साल के लिए या एक साल के लिए यहाँ ड्यूटी देने के बाद जब वो छुट्टी पे अपना घर चला जाते जाने के बाद वो वही कहानी अपना मम्मी से सुनाता वही कहानी अपना बहन से सुनाता अपने बेबी सुनाता हमारे पास दो छोटे दो साल के और पाँच साल के दो बच्चे हैं तो ये दोनों बच्चे का माँ बाप पाकिस्तान में है पार है देख सकता है लेकिन मिल नहीं सकते हैं तो उन दोनों बच्चों को हम उनको खिला रहे हैं पिला रहे हैं कपड़ा पहना रहे हैं यही कहानी तो अपना माँ से सुनाया तो फिर माँ तो गौर से सुनेगी अच्छा ऐसा बात है बेटा इनके मम्मी पापा दूर है, पाकिस्तान में है लेकिन वो देख सकता है मिल नहीं सकता है मतलब आप लोग इनको खिलाता है पिलाता है तो बड़े दुख की बात है तो बेटा जब भी आपको माँ का याद आते हैं तो माँ को जितना आप प्यार करते हैं तो उन बच्चों को प्यार करना ये तो ज़रूर कहेगी कोई भी माँ कहेगी नहीं कहेगा कहेगी और जब आते वक़्त जब बच्चा अपना छुट्टी काट के बेटा जब ड्यूटी पे आते वक्त ज़रूर वो माँ यही कहेगा कि बेटा उस बच्चों के लिए मेरे तरफ से कपड़ा देना कि मम्मी ने भेजा है बेटा उन बच्चों को फलाना ये देना कोई ना कोई तोहफ़ा कोई ना कोई गिफ्ट पहुंचते थे जब हम छोटा होते थे तो आज जब कोई टूरिस्ट इस रास्ते से आते हुए कोई बाल सफ़ेद वाले बिलखसूस कोई माँ मुझे नज़र आता है तो फिर मैं सोचते हैं शायद उसी माँ ने तो मुझे नहीं भेजा था कहीं तोहफ़ा मेरे उस वक्त की इसलिए मेरा आपको आपका ये जो लाल जो सफ़ेद जो बाल देखते हैं तो मुझे वो याद आते हैं कि दो चीज़ें मुझे याद आते हैं तो वो कहानी कहाँ से बना कहानी कैसे बना ये सारे हुआ क्या है मैं अभी आपको ये सारी चीज़ों को मैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 1971 में जो जंग हुआ है तो 1971 सेवेंटी वन जंग जंग का तरह तो नहीं था वो एक हिसाब से एक मजाक ही समझ लो तो उसमें से जो हमारा लद्दाख का कर्नल चैन साहब जो 1971 सेवेंटी का जंग लड़ा था वो तीन जंग का माहिर थे पैंसठ सैंतालीस और इकहत्तर की तो वो पैंसठ में सैंतालीस में वो नूरा घाट में था इकहत्तर में वो नाइक रैंक का था आनेसोर पैंसठ में नाइक रैंक का था इकहत्तर में वो मेजर रैंक में उसने जंग लड़ा लड़ने के बाद उसको एक्सपीरियंस था कि पाकिस्तानी फौज बहुत कमज़ोर होगा होता है तो उन्होंने जंग नहीं लड़ा पाकिस्तानी पोस्ट के ऊपर जाके पच्चीस तीस जो जो आदमी था उसमें से छब्बीस आदमी को सीधा कैप्चर कर दिया सीधा पकड़ा कैदी बना लिया तो बाकी बचे कुचे लोगों को लड़ने का हिम्मत ही नहीं रहा एक ही करके भाग गया भागने के बाद देखिए मैं कभी भी मैं किसी को बुरा कभी नहीं सोचते हैं मैं आप लोगों को भी मैं यही रिक्वेस्ट करते हैं जब हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो वो भी हमारे साथ बुरा करेंगे हम किसी के साथ लड़ेगा तो वो भी हमारे साथ लड़ेंगे ना वो काम कर पाएंगे ना हम काम कर पाएंगे तो इसलिए मैं किसी को बुरा भला तो नहीं कहते लेकिन अब क्या करेंगे हालात ने कहने पर मजबूर भी कराते हैं कुछ बातें कुछ ऐसा है तो अब मैंने मैं आपको एक कविता में जब सुनाते हैं मैं को मैंने खुद बनाते हैं जो भी कविता बनाते हैं तो हम खुद तो, क्योंकि जिनका दिल में ज़ख्म हो जाते हैं वो ऑटोमेटिक कविता ही आ ही जाते हैं तो मैं कहते हैं कि मुसीबत में गुजर गया ज़िंदगी बड़ा काम के थे करें तो क्या करें जंजीरें मेरे नाम के थे तो माँ बाप को देख ना, नाम के थे ये मेरे ज़िंदगी में गुजर गया उसके बाद मैंने और एक कविता जोड़ा था मैं उसमें कहा कि बॉर्डर में घर बनाया है लेकिन जन्नत में रहते हैं हम इतना खुश नसीब है कि हम भारत में रहते हैं माँ बाप को देख जरूर सकता है मगर मिल नहीं सकता हम सरहद में रहते हैं तो क्या हुआ है जब लड़ जंग हुआ पाकिस्तानी फ़ौज ने लोगों को इस तरीके के जो उकसाया बोला कि हिंदू आ रहा है सिख आ रहा है तुम्हें खाएंगे मारेंगे काटेंगे डराया धमकाया तो यहाँ से लोग भागना शुरू हो गया घर भर छोड़ के भागने की तैयारी हो गया तो इस गांव के भी लोग भागने की तैयारी हो गया भागना शुरू हो गया तो मेरे दादा उस वक्त नाइनटीन से पहले शिमला में काम करते थे तो उनको पता था हिंदू क्या होते हैं सिख क्या होते हैं मुस्लिम क्या होते हैं तो एक इंसानियत में अच्छे आदमी किसी मजहब में हो अच्छा ही होते हैं बुरा आदमी कोई जो भी मसहब में हो वो बुरा ही होते हैं हम तो बुरा अच्छा क्या होते तो, तो पाकिस्तान की जो सोच था बहुत गलत सोच था तो मेरे दादा ने कहा भाई देखो मत जाओ मत भागो मैं हिंदू के साथ मेरी ज़िंदगी गुजरा है बहुत अच्छे लोग होते हैं बहुत नेक लोग होते हैं तो नहीं माना बूढ़े आदमी का नहीं सुना भागना शुरू हो गया तो फिर मेरे दादा ने मेरे उम्र दो साल पाँच साल और मेरे छोटा भाई को उम्र पाँच साल की उम्र थे तो उस उम्र में दादा ने हम दोनों को पकड़ के रखा तो जो छोटे जो दोनों बच्चों को जब पक, पकड़ के रखा तो छचन जो पकड़ के रखा तो दादा को जब पकड़ के दादा ने जब दोनों बच्चों को पकड़ के रखा तो दादा ने ये सोचा जब हम इन बच्चों को पकड़ कर रखेंगे तो शायद इनका मम्मी और इनका दादी यहाँ से जाएगा नहीं बच्चों को देखे यहाँ रहेंगे लेकिन जान किसी के प्यारी होते हैं कि इस गांव के सारे औरतें यहाँ से बाग निकल गया और जिस बूढ़ा ने दोनों बच्चों को पकड़ कर रखा वो बूढ़ा यहाँ से हटा नहीं दोनों बच्चों को पकड़ के रखा तो तब भी मेरे मम्मी और दादी भाग गया लेकिन मेरे पापा को अब यहाँ बैठना पड़ा क्योंकि पापा ने बोला था अभी यार दो बच्चों को किसके गोद में रखेंगे आदमी तो नहीं रख सकते हैं। वो तो खुद अपना आप अप संभाल नहीं पाते हैं तो मेरे पापा यहाँ बैठा हुआ था दो बच्चों के लिए और अपना पिता के लिए जब मेरे पापा और मेरे बच्चे यहाँ दादा यहाँ रहने लगा तो गाँव वालों ने भी ये फैसला किया यार क्यों ना फिर हम भी बच्चों को पार भेज देते हैं हम एक एक लोग यहाँ बैठते हैं गाय बकरी माल मवेशी को भी हम यहाँ रखते हैं तो जब गाय बकरी माल मवेशियों के लिए इस गांव का एक एक लोग यहाँ बैठा करीब बीस पच्चीस तीस आदमी यहाँ बैठा बाकी औरत और बच्चे सबको एक घंटे के लिए या यहाँ से एक किलोमीटर आगे एक नाले में छुपाने के लिए रखा कौन सा तारीख को सतारह दिसंबर को अब इनको पता है में इंडियन आर्मी पहुंच गया है आगे आने वाला है आगे आ रहा है ये सुनते ही ये जब आगे भेजा 18 दिसंबर को ठीक साढ़े छः छह बजे सुबह जब रात को फौज चहल करते रहा जब सीधा जब सुबह हुआ तो गांव में एकदम इंडियन आर्मी पहुंच गया पहुंचने के बाद उसमें लाउ सिकोट एक कंपनी सिख एक कंपनी और गुरखा एक कंपनी तीन कंपनी था कहते हैं तो यहाँ जब सीधा यहाँ पहुँच गया तो पहुँचते ही सीजफेर हो गया पहुँचते ही फैरबंदी हो गया कि बोला यहाँ से आगे मत जाओ बस सीधा यहाँ बन गया जी एल ओ सी एल ओ सी जब बन गया तो फिर क्या हुआ जी गाँव का जो औरतें सीधा पार पाकिस्तान के पास रह गया मर्दें सीधा यहाँ रह गया तो अब देखो कितना दुख की बात हुआ है कितना तकलीफ़ की बात हुआ सीधा मैं बीवी का एलोसी हो गया सीधा बाप और बेटी का एलोसी हो गया होने के बाद अब यहाँ पर मंज़र देखा इंडियन आर्मी ने यार यहाँ पर तो ना औरत है ना बच्चा है गाँव के एक एक लोग घर में बैठे हैं तो किस तरीके से ज़िंदगी संभाल सकते हैं अब बेचारे जिनके पास छः छः लोगों के साथ रात में घर में रहता था अब अकेला रह गया क्या मुसीबत उनको पर होने के बाद ये मंजर इंडियन आर्मी ने देखने के बाद मैं यही कहते हैं जी मैं ए, कहते हैं कि मैं आज मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ तो पाकिस्तान का अंदर एक कमिश्नर साहब जब मैं उनके साथ वही जो हमारा जिक्र किया तो उस कमिश्नर साहब ने क्या कहा कि मेरे तरफ से हिंदुस्तान के हिंदुओं को सलाम कहना तो ये वीडियो यूट्यूब में मैंने डाल रखा है आप लोग सुन सकते हैं तो ये कहानी मैं आपको थोड़ा देर बाद सुनाएंगे पहले मैं इस कहानी को मैं आगे ले जाते हैं तो इंडियन आर्मी ने सोचा इंडियन आर्मी ने ये नहीं सोचा कि ये लोग बिछड़े हुए लोग ये मुसलमान है हम हिंदू है हम बुद्धिस्ट हैं ये नहीं सोचा इनकी परेशानियाँ सोचा सोचने के बाद आगे हाई हाईकमान से बात किया करने के बाद किसी तरीके से इन बच्चों को वापस लाना पड़ेगा पाकिस्तान से रुजू करना पड़ेंगे तो पाकिस्तान के साथ करीब एक महीना बीस दिन या डेढ़ महीने के बाद पाकिस्तान के साथ सरथलिक मीटिंग हुआ बातचीत हुआ पाकिस्तान ने एग्रीमेंट भी हो एग्री भी हो गया चलो ठीक है बच्चों को हम वापस देंगे तो इसी तरीके से इधर से उधर उधर से इधर करने का एग्रीमेंट होने के बाद अभी हम कहते हैं कि जो लाहौर में अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ जब एग्रीमेंट हुआ तो करगिल में बदला लिया हम तो यही कहते हैं ना ये आप सब का दिल में है आप सब ने सुना है लेकिन एकहत्तर में भी ठीक वही हरकत किया जब बातचीत होने के बाद इंडियन कर्नल इंजियन साहब यहाँ आया इस गांव में आकर पूछा भाई दो आदमी तैयार हो जाओ इस चिट्ठी को पाकिस्तान को देना है और जितना बिछड़े हुए औरतों बच्चों को सबको वापस लाना है तो कौन जाएंगे तैयार हो गया गंगू में मीटिंग करने के बाद मेरे पापा उस वक़्त थोड़ा बहुत हिंदी आते थे शायद तो पापा को बोला भाई आप चला जाओ जो हिंदी आपको आते हैं आप जाके उनको समझा कर सबको लेकर आओ तो पापा और एक आदमी को तैयार किया तो करने के बाद मेरे दादा ने मना किया दादा ने भी कहा शायद मेरे पापा ने भी कहा होगा कि मैं दो बच्चों को कहाँ छोड़ के जाएंगे जिसकी उम्र दो साल है वो किसके गोद में छोड़ेंगे तो जिसके पाँच साल है मैं किसके पास छोड़ के जाएंगे सर मैं नहीं जा सकते हैं किसी और को भेजूँ लेकिन उसमें करने साहब नहीं माना बोला नहीं आपको ही जाना होगा दो घंटे के लिए या एक घंटे के लिए तो एक या दो घंटे के लिए फिर मेरे पापा को तैयार किया बोला कि आप जाओ तो उसमें एक जो कहानी बीच में अब मैं यही कहूँ तो मेरे पापा ने एक 82 में एक आइडियो पेशेड आया था उसमें यही जिक्र करते हैं कि पापा के साथ क्या सलूक किया पाकिस्तान ने तो पापा ये कहते हैं कि एक आइडियो आया था उस आइडियो में कहा था देखो आज मेरे बेटा दोनों बेटों के बारे में मुझे सुनने को मिलता है ये बड़ा हुआ है या ये दोनों बच्चा ज़िंदा है तो लेकिन मैं नहीं मानते हैं कि मेरे दोनों बच्चा बड़ा हुआ कहते हैं तब भी मैं नहीं मानते हैं मेरे दोनों बच्चा ज़िंदा है तब भी मैं नहीं मानते हैं मेरे दिल को गवारा नहीं कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं कि एक ऐसा हालात था जब इकहत्तर में शट, 18 अठारह दिसंबर को जब इंडियन आर्मी आया तो उस वक़्त दो बच्चे का मामी और दादी पाकिस्तान गया था दोनों बच्चा मेरे पास रहता था रहता था दादा और पापा पास रहता तो दोनों बच्चा बड़ा मायूस में था बोलते हैं मम्मी के पास ले जाओ रात हो जाता तो मैं मम्मी के पास सो जाऊंगा ये सारे चीज़ें तंग करते रहता था तो जिस दिन मुझे पाकिस्तान आना है तो उसी रात को भी जब जब रात आता था दोनों बच्चों को जो सोने का टाइम आता तो दोनों जिद करता था, तो मैं दादी के पास सोऊंगा मैं पापे के पास सोऊंगा मुझे बहुत तंग करता था तो मेरे पास कोई इलाज नहीं होता था कि दोनों बच्चों को हम इस तरीके से सुलाते थे एक बच्चे को इस साइड में सुलाते थे एक बच्चे को इस साइड में सुलाते थे नहीं तो दोनों बोलता था एक बोलता था मैं पापा के पास सो जाऊंगा दूसरा बोलता था मैं पापा के पास सो जाऊंगा तो हम इस तरीके से गोद में सुलाते थे तो सोकर रात को नींद आते थे लेकिन ठीक इसी तरह उसी रात को भी मैंने दोनों बच्चों को इस तरीके से गोद में सुलाया था सुबह मुझे फ्लेग को लेकर और चिट्ठी को लेकर मुझे मम्मी और दादी को लाने के लिए पाकिस्तान जाना था तो सुबह मैंने दोनों बच्चों को साइड में यूँ सुला के मैं बीच में से निकाल के पाकिस्तान आया मैं उस उम्मीद से आया अब इनके मम्मी और दादी को लेकर आए लेकिन जब मैं पाकिस्तान पहुंचा तो पहुंचते ही मेरे आंखों में पट्टी बांधा और मुझे सीधा जेल में मुंतकिल किया तो फिर आज मेरे दिल में वो दर्द है कि मैं दादी और मम्मी को लाने के लिए गया लेकिन मुझे वो सज़ा मिला कि अपना उस बच्चे से भी बच्चों से भी खोना पड़ा तो आज मेरे दोनों बच्चा जो बड़ा हो के आज यहाँ आपका बारे में सुनता है तो मेरे दिल नहीं मानता है शायद वो दोनों बच्चा आज भी वहाँ पर सो के पड़ा होगा आज भी वहाँ उस बिस्तर में दोनों पड़ा होगा मैं ये सोचते हैं लेकिन मैं ये नहीं सोचते हैं कि शायद ये लोग बड़ा हो गया मेरे दिल नहीं मानते हैं तो इस तरीके से फिर मेरे पापा जब वहाँ पहुँचा तो सीधा जेल में डाल देगी पापा को वापस नहीं भेजा तो ने कुछ किया नहीं, नहीं तो, अब अब ये तो मैम जी अभी आपने पूछा इस बीच में से पाँच दस सौ परसेंट ये पूछता है सचमुच में नहीं तो करना चाहिए था इंडिया को अगर देखो इतना एग्रीमेंट करने के बाद जब यहाँ से फ्लेग लेके भेजता है बातचीत हो जाते हैं तो अगर ऐसा करने के बाद तो सीधा आगे उस गांव को भी कब्जा करना चाहिए था अब तुम लोगों को प्यार से जो नहीं आते सीधा अंगुली से ये नहीं आता है तो टेढ़ा करेंगे लेकिन कुछ नहीं किया ये मैं भी हैरान हूँ तो कम से कम जिस आदमी जिन दो आदमी को लाने के लिए भेजा है उन आदमी को वहाँ से नहीं भेजता है उस आदमी को जेल में डालता है तो क्या है जंग करने में अगर तुम अच्छा नहीं आते हैं तो सीधा उस गाँव को भी उठा लेता तो वो गाँव भी आ जाता तो पता नहीं वो क्यों नहीं किया मेरे भी समझ में नहीं आते जी वो क्या बात क्या था क्यों नहीं हुआ है तो फिर उस हालत में जी फिर जब आपका दो साल के बच्चे और पाँच साल के बच्चों को बन गया बेनामी यतीम सीधा पापा वापस नहीं आया तो अब यहाँ था दादा अस्सी नब्बे साल के जो खुद अपना आप अप संभालना मुश्किल है तो अब उस दिन से उन दोनों बच्चों को आर्मी का गोद में पाल के आज मैं जो कुछ हूँ मैं कहते हैं लोग कहते हैं मैंने मैं एक ये ये कहते हैं कि जैसे सरफरे लोग मुझे दुश्मन जहाँ कहते हैं हम अपने इस सरजमीन को असली माँ कहते हैं तो मैं इसलिए कहते हैं हर इस सरजमीन को हम असली माँ कहते हैं तो हुकूमत हर कोई इनाम गुंडागर्दों को मिलता है मुझे तो कहाँ मिलेगा मैं तो फूलों के बाग बनाते हैं तो ये क्यों कहते हैं कि मैं असली माँ क्यों कहते हैं मैं आपको बता दूँ आप हर कोई भारत माता की कहता है लेकिन हम सबका माता तो जिसने पैदा किया वो है है ना जिसने पाल पोष के बड़ा किया है असली माता तो वो है उसको तो कोई नहीं छोड़ सकता है नहीं छोड़ सकता देश आप छोड़ सकते हैं लेकिन उस माता को नहीं छोड़ सकते लेकिन मेरे लिए यही देश मेरा असली माता था इसलिए मैं कहते हैं सरफरे लोग मुझे दुश्मन जहाँ कहते हैं मैं इस ज़मीन को असली माँ कहते हैं तो ये हुआ थी मेरा कहानी तो उसका बाद फिर इंडियन आर्मी ने मैं एक दिन भी स्कूल नहीं गया हूँ स्कूल ही नहीं होता तो हम जाए कहाँ से तो आज मैं हर लैंग्वेज में अरबी हो फर्सी हो उर्दू हो इंग्लिश हो सिर्फ इंग्लिश मेरे थोड़ा कमज़ोर होगा क्योंकि इतना नहीं आते हैं तो वो भी क्यों नहीं आते हैं मेरे एक अपने दिल में एक, एक अजीब से नफरत कहेगा तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे यार अंग्रेज़ को हमने बगाया दिल देश से तो फिर अंग्रेज़ को ज़बान को हम क्यों अपनाते हैं ये मेरे सोच रहते हैं तो मेरे उस सोच के हिसाब से मैं अंग्रेज़ी के साथ ज़्यादा मोहब्बत नहीं करते हैं तो इसलिए मैं हिंदी को मोहब्बत करते हैं अपने देश के जो लैंग्वेज है हिंदी है तो हर जबान में हर कोई जब मैं पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान के आयसाई मुझ पर बहुत बड़ा शक करने लगा बोला कि ये आदमी तो हिंदुस्तान का जासूस हो सकता है ये इसका बोल बोली बहुत तगड़ा है इसका सब कुछ बहुत तगड़ा है अपना आपको कहते हैं एक दिन भी स्कूल नहीं गया तो फिर मैंने कहा देखो मैं स्कूल गया भी नहीं था लेकिन मेरा तरबियत इंडियन आर्मी ने किया है इस देश ने किया है मैं देश का बेटा हूँ मैं किसी मम्मी पापा का बेटा नहीं हूँ तो मैं आज मैं जो कुछ हूँ मैं जो कुछ हूँ देश देश ने बनाया और कोई भी पूछते हैं जब आप लोग बोलते हो आपका गार्डन खूबसूरत बनाया है ओह आपने ये अच्छा बनाया फिर मैं वही सवाल करता नहीं मैंने नहीं बनाया आपने बनाया क्योंकि अगर मेरा मम्मी पापा आज यहाँ होता तब भी मैं इतना जो काबिल आप सब मेरा सुन सकें आदमी नहीं बनता या मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक मजदूर होकर रहता नहीं तो मेरे उम्र के कितने लोग अभी इस इलाके में आप देख रहे हैं ना कोई पूछता है नहीं पूछता है लेकिन हम जैसा एक अनपढ़ आदमी को पूछने के लिए आप देखें सुबह से लेकर शाम तक मिसाल कोई ना कोई आते हैं कोई ना कोई, ना कोई पूछता है पूछने के बाद जो मैं कहते हैं आप लोगों को अच्छा लगता है तो समझ लो ये एक आप और मेरे दिल एक जुड़ा हुआ है तब आपको मेरे बातें अच्छा लगता है ये थे जी हमारा जो कहानी है आज मैं जो कुछ कर रहा हूँ मैं अभी मैं कुछ चीज़ें मैं आपको ये भी बता दूँ आज मैं सबसे पहले फ्रूट्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर कम से कम सौ से वो फ्रूट्स का जो वेराइटी है जो महंगा महंगा फ्रूट पर मैं एक्सपेरिमेंट करते हैं मैं देश के कोने कोने जाता हूँ कोने कोने से मैंने हर किस्म को जहाँ फ्रूट आपको अच्छा लगे चाहे इटली का हो चाहे जापान का हो चाहे अमेरिका का हो चाहे कहीं का भी हो पता नहीं कितने किस्म का मैं फ्रूट्स यहाँ लाते हैं मेरी ज़िंदगी उसी में मैं लगे रखते हैं मैं ये कहते हैं भाई देखो ये फ्रूट एप्लीकाट इस इलाके में आया अभी पाड़ा फेमस है वो अखरोट फेमस है ख़ुबानी फेमस है किसी ने ला के डाल दिया तब फेमस हुआ है जब लाया ही नहीं होता तो आज उस यहाँ खुबानी के नस्ल ही नहीं होता तो फेमस क्या होता तो मैं इस तरीके से कोशिश में कर रहा हूँ आज मैं जो कुछ कर रहा हूँ इस देश के लिए कर रहा हूँ जो कुछ है तो मैं देश ने बनाया मेरे मम्मी पापा ने नहीं बनाया हाँ रहा आपको और एक क्वेश्चन तो उसमें एक कविता याद आते हैं उसमें हम कहते हैं मंजर भी मुसलमान पसे मंजर भी मुसलमान तो गर्दन भी मुसलमान तो खंजर भी मुसलमान कल आज था उम्मीद था ख़तरा ना था कोई अब सारे दुनिया के लिए डर है मुसलमान तो वो मैं कविता क्यों बना बताया मैं आपको बता दूँ जब उन्नीस सौ इकहत्तर का जंग हुआ वो बेचारे माँ वो बहन बेवा हो गया बेसहारा हो गया बेघर हो गया तो उनको ऊपर पाकिस्तान ने कितना हाथ रखा उनको ऊपर कितना मेहरबान किया मैं ये आपको थोड़ा सा बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या हुआ कहते हैं जब मैं यहाँ से 2014 में अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए गया जाने के बाद मुझे अपना मम्मी पापा से भी ज़्यादा मुझे तकलीफ़ वो था कि वो जो माओ का क्या गुज़रा होगा जिसने पाँच बच्चा ले कर गया था जिसके पास ना घर था ना छत था ना कुछ था उनके पास कैसे ज़िंदगी तकलीफ में उठाया होगा ये मेरे दिल में रहता था जब मैं वहाँ गया तो मैं उन माओं से मिलने के लिए आया इस गांव का बिल्कुल किनारे पे आज भी वो माँ बैठे हुए हैं आज भी ही, आज का आप कही उम्र का है सत्तर साल साठ साल का है। उम्र का जो माऊँ उस ज़मीन पे आज बैठा हुआ जी जो आप, आपने देखा होगा एक डिज़र्ट एरिया आते हैं सूखा जगह तो वो सूखा जगह है मुर्दों का रहने का जगह मतलब कबूरस्तान है तो उस कब्रिस्तान पे आज पचास सालों से बेचारे लोग बैठा हुआ है उनको देखकर मैंने सोचा यार देखो मेरा दादा के ऊपर जब मेरे ज़िंदगी में परेशानियाँ आ जाते हैं मुझे कभी तकलीफ़ आ जाते हैं तो मेरा वो दादा वाले याद करते थे कि उन्नीस सौ इकहत्तर में अचानक उस दादा बेचारे के ऊपर बेटा से बिछड़ा बेटा से बिछड़ा रिश्तेदारों से बिछड़ गया साथ में दो छोटे बच्चे का ज़िम्मेवारी भी पड़ गया तो दादा ने कभी ख़ुद का आत्महत्या क्यों नहीं किया दादा पागल क्यों नहीं हुआ मेरे दिमाग में ये रहता था लेकिन जब मैं पाकिस्तान गया उन माओ से मिलने के बाद मैंने सोचा मेरे दादा ने कोई तकलीफ़ नहीं उठाया क्योंकि मेरे दादा के लिए इंडियन आर्मी बेटा बन के आया बेटी बन के आया और मैं और मेरे छोटा भाई के लिए मम्मी पापा बन के आया हमने कोई तकलीफ़ नहीं उठाया लेकिन तकलीफ़ उठाया बहन जी उन माओं ने अब मैं आपको बताता हूँ क्या तकलीफ उठाना पड़ा उन बेचारों को जब एकदम एलोसी हो गया होने के बाद आप बोलो पाँच चार चार साल के बाद बच्चे के साथ साथ घर छात नहीं होता तो पागलपन होगा नहीं होगा रोएगा नहीं रोएंगे चिल्लाएंगे रोएंगे चिल्लाएंगे बोला घर छोड़ो घर छोड़ो अपना घर छोड़ो तो कहेंगे ही कहेंगे कहने के बाद अगर पाकिस्तान में अगर इंसानियत होता अगर पाकिस्तान में कुछ ईमान का बू होता तो सीधा जाओ जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ अपना घर जाओ इंडिया आपका स्वागत करेगी घर छोड़ना चाहिए था नहीं आप बोलो उन सारे माँ बहन को जाओ जाओ जल्दी जाओ अपना घर जाओ, जाओ बोलना चाहिए था ना कि आपको इंडिया कुछ नहीं करेंगे बल्कि तस्ल भी देना चाहिए था कि इंडिया आपको कुछ नहीं कहेंगे आपका स्वागत करेगा आप जाओ बोलने के बजाय क्या किए जी उन बेचारे जो माओ को पीछे धकेल दिया तुम यहाँ रहोगे तुम लोग इंडिया जाएगा कोई नहीं जाएंगे सबको डंडा मारकर पीछे भगा दिया भगाने के बाद उन बेचारों के पास कहाँ जाएं कहाँ रहेंगे ये बेचारे लोग तो रोया चिल्लाए किसी मैदानी जगह पे किसी जगह पे वो रोते रहा चिल्लाते रहा तो कोई इलाज नहीं फिर उन्होंने बोला चीज को या हमें गोली मार दो या हमें अपना घर भेज दो या तो हमें फलाने इस जगह पे हमें रहने दो तीन ऑप्शन रखा तो उनमें से ना गोली मार सका ना अपना घर भेजा आखिर एक माँ था कि इधर गाँव के किनारे में हमें रहने दो तो ये शमशान घाट जो कि मुर्दों का रहने की जगह है वहाँ पर उन बेचारों को अब रहने के जगह मिल गया कि नीचे मरा हुआ लोग बैठे हैं ऊपर ये माँ और बहन आज भी पचास सालों से वहाँ बैठा हुआ है तो मैं जब उनका घर झुम्पड़ियों में गया मैंने बोला माँ जी आप यहाँ क्यों बैठे हैं पचास सालों से आप क्या पागल हुआ है कि आप कहीं किसी का अमीर के घर में जाता या किसी आस पास कहीं मज़दूर के लिए भी चला जाता तो कम से कम ये बच्चों को गुजारा भी हो जाता वो माँ कहते हैं बेटा देखो हम उन्नीस सौ इकहत्तर में मर चुका है हमारे क्या ज़िंदगी है बात सही है हमारा क्या है हमारा कुछ नहीं है हम दो सहारे से ज़िंदा है यहाँ पर तो बोलो क्या सहारा देखो बेटा नंबर एक हमने छोटा सा गलती किया इकहत्तर में क्या किया छोटा सा गलती किया हमने अपना घर छोड़कर कर एक किलोमीटर हम आगे आया बस इतने में हमें एलोसी हो गया हम बेवा बन गया छोटी सी ग़लती के ऊपर हम बेवा बन गया तो अभी हम इसलिए यहाँ बैठे हैं तो अगर हम यहाँ ये यह गेट छोड़कर दरवाज़ा छोड़कर हम कहीं पीछे चला जाए तो हो सकता है एक रात में इंडिया एकदम आगे आए हो सकता है इंडिया एकदम इस गांव को रातों रात ले ले तो फिर हम कहीं जा कर हम फिर बिछड़ जाएगा इसलिए हम सामने बैठे हैं किस बैठे हैं कि इंडिया कब आगे आए इंडिया कब इस गांव को हमला करे इंडिया कब इस गांव को कैप्चर करे हम अपना घर कब पहुंच जाए बस दिन गिन रहा हूं बेटा आज हम दिन गिन रहे हैं कि आज कुछ नहीं हुआ तो फिर हम मायूस हो जाते हैं दूसरा दिन के इंतज़ार करते हैं कब इंडिया आगे आता है कब हम अपना घर पहुंचता है इस इंतज़ार में ज़िंदगी गुजार रहा हूं बेटा पैंतालीस साल इससे गुजरा है एक दूसरा रीज़न जब हमारा हस्बैंड खेत में आ जाते हैं या घर के छत के ऊपर आ जाते हैं तो हम अपने बच्चों को यही दिखाते हैं बेटा ये आपका पापा है तो हमारे खेत में आया है वो हमारे छत के ऊपर है यही खेत हमारा है ये पेड़ हमारा है ये हमारे है। बस इसी से हमारा दिल बहलाते हैं बेटा बाकी हमारा कोई जिंदगी नहीं है बाकी हमारा कोई उम्र नहीं है अब बताओ क्या पाकिस्तानी सरकार हो पाकिस्तानी आर्मी हो क्या ये सब कुछ अच्छा किया आपको कैसा लगते हैं तो ये हाल हुआ है जी तो यहाँ की हाल जो आपने सुना है कि यहाँ पर इस देश ने आखिरी सरहद पे किस तरीके से कि इस इस बेटे को कितना प्यार दिया है और कितना एक्सपोजर मिला ये आप देख सकते हैं तो और दूसरा मैं कहूँ सरहद की जो बात कहें मैम जी आपको मैं कहें तो जब मैं पाकिस्तान पहुँचा तो एक आदमी मुझसे मिलने के लिए आया पचास साठ साल के लोग थे सीधा मिलते ही मुझे गले लगाया और खूब रोया तो दुनिया हैरान हो गई यार ये बूढ़ा इसको देख क्यों रो रही हैं तो वो बूढ़ा अपना रोना दोना ख़त्म होने के बाद उन्होंने एक कहानी बयान किया उन्होंने कहा देखो मुझे इसलिए रोना हुआ है जब हम पाकिस्तानी फौज में था इस पोस्ट में जो आप देख रहे हैं इसी टॉप के ऊपर मेरे ड्यूटी था तो मैं वहाँ पर बैठा तो इनके पापा आया और मुझे बोला यार थोड़ा सा दूरबीन देना हम थोड़ा अपना गांव को देखते हैं मैंने इनके पापा को दूरबीन दे दिया जब देता तो पापा दूरबीन देखा देखने के बाद उसको छत के ऊपर अपने दोनों बच्चियों को देखा और छत के ऊपर अपना वो बूढ़ा बाप को देखा देखने के बाद जिसका हालात देखकर इनके पापा रो रो के बेहोश हुआ था तो मुझे जब मैंने भी फिर दूरबीन में देखा तो यकीनन दोनों बच्चों के ऊपर ना पा ना जूता ना कुछ जिसका मम्मी पापा नहीं है जिसका कुछ नहीं है तो उस बच्चे का क्या हाल होगी तो इन बच्चों का हाल देख कर तो फिर मुझे बेबस हुआ था मुझे उस वक़्त भी आज मैं ऊपर वाले का शुक्र करता हूँ कि दोनों बच्चा आज जिंदा होके एक बच्चा यहाँ अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए आया तो मुझे वो दिन याद आया जिसके इनके पापा ने जो मुसीबत सामने देखा लेकिन मिल नहीं सकता था ऐसे अनगिनत जो सरहद की जो कहानी है बहुत दुखित कहानी जब मैं पाकिस्तान जा के आया तो मेरा माँ का दो तीन जो बातें मैं आज मैंने एक तो नहीं कहा अब मेरे माँ ने बोला कि आपको आ, सलाम भेजना एक दूसरा मेरा माँ जब मैं पाकिस्तान गया तो मुझे कहा बेटा फ्राइडे यानी जुमा का दिन पापा छुट्टी करते हैं अपना काम से तो ढाई बजे के बाद तीन साढ़े दो ढाई तीन बजे आप इधर आगे आना हम यहाँ से आगे आते हैं तो आने के बाद एक दूसरे के साथ हम देखते हैं दूरबीन से तो फिर हम हर जुमा का दिन मैं यहाँ से चला जाता दूरबीन लेके उधर से मेरे मम्मी पापा कभी चाचा मामू आता आने के बाद जब दूरबीन एक हाथ में उठाकर इस तरीके से ऐसा कहते हैं कि मम्मी पापा को मैं अपने मम्मी को कभी मेरा अपना को तो वो एक डेढ़ साल चलते रहा 2014 के बाद 15 16 में फिर एक साल या एक साल के बाद मेरे मम्मी गुजर गया मम्मी गुजर गया तो फिर पापा नहीं आया उतर दूरबीन के लिए तो वहाँ देखते रहते थे मैंने आपको शुरू में कहा कि हम अपने मम्मी पापा को देखते रहते थे देख सकता था लेकिन मिल नहीं सकता तो इस तरीके से मम्मी करीब एक साल या डेढ़ साल के बाद मम्मी गुज़र गया मम्मी गुजारने के बाद जब मुझे वहाँ से फ़ोन आया मैंने कहा भाई मम्मी के क्या हाल हुआ है क्यों बीमारी हुआ क्या हुआ कुछ हुआ तो कहा कि भाई मम्मी का कोई बीमारी नहीं हुआ बस मम्मी पैंतालीस साल आपका इंतज़ार करते रहा बोला कल आएगा मेरे बेटा परसों आएगा कल इंडिया पाकिस्तान कहीं जंग हो जाएगा तो अपना बेटों से मिलेगा या इंडिया पाकिस्तान आपस में बातचीत करके भी अपने बेटों को मिलवाएंगे हर कोई तसली देता था मिलने के इंतज़ार में पैंतालीस साल गुजर गया लेकिन जब आप यहाँ आ के दस महीना बैठ के गया तो फिर आप जाने के बाद मम्मी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया बस आप जहाँ रहते थे वहाँ पर रोता था आप जहाँ रहते थे जब आप जिस प्लेट में खाना खाते थे उस प्लेट से चूमते थे बस इसी परेशानी में इसी पावलपन में मम्मी गुजर गया तो ये हालत है कि यह हमारे जो हालत है ज़िंदगी इस तरीके का जो हुआ है बहुत अनगिनत जो कहानियाँ हैं तो एक बार तो खैर जब मेरे उम्र चौदह पंद्रह हो साल होगा तो साल की उम्र में एक लदा सिकोट का एक फौजी रिटायर होके यहाँ पर आया आने के बाद उन्होंने एक कहानी सुनाई जब आप लोग छोटा होता था आप लोग को पाँच साल के बाद होता था तो आपको दादा कहता था यार मेरे दोनों भतीजे को अपना मम्मी पापा को दिखा के लाओ तो हम फौजी आदमी क्या करते थे दोनों बच्चों को हम लाल कपड़े पहनाते थे ज़ीरो पॉइंट पे हम लेके जाते थे फिर मैं वहाँ पर दोनों बच्चों को छोड़ देता तो पार से मम्मी पापा आके हेलो हे करता था तो दोनों आपस में हेलो है करता था फिर हम बच्चों को लेकर आता था फिर दादा को कहता था भाई आपका मम्मी ने आपका पापा ने मतलब इन बच्चों का मम्मी पापा ने अपने बच्चों को देख लिया तो देखा तो फिर आपका दादा बहुत खुश होता था बोला कि अच्छा देख लिया तो अपने से ज़्यादा अपना दोनों अपने लड़के का जो फिक्र होता था ये जी अनगिनत जो कहानी है तो ये कई दिन कई रात में भी ख़त्म नहीं हो सकते हैं तो बाकी आप में से कोई आप कोई पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं आपके का क्या हुआ? जी एक्चुअली अभी देखो ये फोटो है भैया का है ये लद्दाख पुलिस में है अच्छा जी तो तो। वो छोटा था उसने जितना मुसीबत जो मैंने उठाया वो तो बाही ने शायद मेरे ख्याल में कम ही उठाया होगा लगते हैं मुझे नहीं मैं फौज में नहीं था नहीं फौज ज्वाइन नहीं किया लेकिन फौज वाकई में मैं असली फौज कम फौज में मैं जॉइन हुआ था वो कैसे हुआ जी जब मेरा बचपन था जब मैं छोटा था तो उस उम्र में फ़ौज ने मेरे लिए आपने किया जो कुछ किया ये तो सारे कहने की ज़रूरत ही नहीं है तो जब 88 85 में देखो मेम जी मैं हर जगह पे मैं यही कहते हैं तो कभी भी कहीं भी हो जी कोई भी आदमी अपना बेटे के ऊपर भरोसा करेगा दूसरा गैर के ऊपर भरोसा कोई नहीं करेंगे तो इस इलाक़े में हो या जे एंड के में लद्दाख में कभी भी पाकिस्तान की फौज हो या पाकिस्तान की जो भी हो कुछ ना कुछ ग़लती तो एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं या जासूसी या, या वो चलते रहते हैं तो उसमें फौज अपने बेटे से बढ़कर किसी को ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं तो मुझे 88 में मेरे उम्र कितना 16 15 16 17 18 साल की होगी तो उस वक्त मैं मुखिया बनने के काबिल नहीं था नहीं। विलेज हेडमैन यानी सरपंच या मुखिया बनने के काबिल नहीं था मैं तो समाल जवान हो या बच्चा था इसी था तो फिर इंडियन आर्मी ने उस वक्त ब्रिगेडियर नोगल साहब था और यहाँ पर कर्नल डूल साहब थे तो उन्होंने उनको पता खैर क्या मसला था जो भी था फौज यहाँ का जो एक दो कुछ लोगों के ऊपर जो लोगों के ऊपर भरोसा नहीं हुआ तो मुझे फौज ने ज़बरदस्ती मुझे मुखिया बना दिया जी नंबरदार जो गोबा कहते हैं तो बल्कि गांव वालों को वार्निंग दिया है कि अगर तुम काम करना चाहता है फौज के साथ तो इनके अंडर काम करो अगर इनके अंडर आप लोग काम करना नहीं चाहते हैं तो हम आपको काम बंद कर दूंगा, बल्कि चार साल हमारे गाँव वालों को काम बंद करके भी रखा अब जो भी शक हुआ क्या है ये तो फौज खुद जानते हैं तो फिर जब मैं जाकर ब्रिगेडियर नोगेल साहब से मिलकर कर्नल दूल साहब से मिलकर फिर हमने नंबरदारी मुझे दे दिया जिम्मारी मुझे दे दिया तो 88 से लेकर आ टू थाउजेंड तक ये काम मैं करते रहा जिंदगी भर फौज के साथ रहा और ज़िंदगी भर जब अभी मैं फिट फाट रहने को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि जवानी में फिट फाट रहना पड़ा क्योंकि फौज में प्रेस लगा के टक आ टक होना पड़ता है फौज में डिसप्लिन होता है तो जैसे पूरा जवानी डिसप्लिन में रहा तो अब बुढ़ापे में बेड डिसप्लिन से भी मेरे कितनी अभी फिफ्टी एट नाइन हुआ जी नहीं घूमने के लिए तो मेरे मैं भी जाता हूँ मैम जी मैं भी नहीं मैं जब घूमता है तो ऐसे कठिन जगहों पे घूमता है मैं कुमाऊ गढ़वाल मतलब पहाड़ों में घूमते हैं क्योंकि हमारे यहाँ का क्लाइमेट और पहाड़ का क्लाइमेट मिलता है फिर उन पहाड़ों से मैं जड़ी बूटी लेके आते हैं पेड़ पौधे लेके आते हैं अजीब अजीब की चीज़ें जंगलों में हो, तो वो सब लेकर यहाँ उगाने की कोशिश करते हैं जी तो क्या करते हैं सुबह से लेकर शाम तक देखो हम अपने मम्मी पापा का खिदमत करता हूँ आप लोग आते हो आप लोग देखो आप देख रहे हैं तो आज भी शायद आप लोगों के आने से पहले भी शायद हो तो वही करते हैं रात 10 11 12 बजे तक भी हम इन्हें केयरिंग में फूल में पानी डालते हो जो काम तो फूल नहीं डालेगा तो कल दूसरे दिन मुरझा जा जाएंगे तो बस यही हमारा काम धंधा है जी जी घर के वो पानी है उसके मछलियां है जी तो ये आप मतलब कैसे सोचा आपका ये आप सर जी ये आपने आप कहते हैं ना आपने ये किया तो फिर मेरे मुंह से आते नहीं जी मैंने नहीं किया आपने किया क्योंकि आपने मुझे हुए जो सोच दे दिया तभी मैंने किया अगर इस देश ने मुझे ये सोच नहीं देता तो ये काम नहीं किया होता तो या एक मजदूर बन के होता या तो मैं एक लोफर बन के होता तो मैं आज आप जैसे बड़े बड़े शख्सियत आते हैं आने के बाद खुश हो के चला जाते हैं आज अभी आपने देखा होगा को, कोई मिनिस्ट्री अफेयर्स का को कोई बड़ा अफसर आया था अभी अभी बोल रहा था कोई लेडीज है पुलिस वाले नहीं था अभी इस रास्ते में आपने देखा था जी गाड़ी थे इनका कोई आया इतना बड़े बड़े लोग दिल्ली से अभी आप अखबार में देखिए कई अखबार में अभी हाल ही में आया है एक आपका बेंगलोर का कोई अखबार है उसमें बस पता नहीं क्या क्या लिखा है वो हमारे समझ नहीं आते आते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सब यहाँ आए थे उनका साथ एक फ़ोटो आया हुआ है एक वो ये मम्मी वाले के साथ एक अखबार आया है वो तो हिंदी में है वो कहते हैं कि इस तरीके का सर ये काम करते रहते हैं उसके बाद सर आप लोगों सब को सबको मैं कविता सुनाते हैं मैं उस कविता को मानता हूँ मैं सच में मानते हैं पता नहीं मेरे ऊपर वाले कहाँ से ला के मुझे देता है कहाँ से मुझे पालता है मेरे समझ में खुद मेरे समझ में नहीं आते हैं सर मैं कहते हैं कि खुदा ये बरतर तेरे ज़मीन पे ज़मीन की खातिर ये जंग क्यों है हर एक जीत और हार के नाम पर खून इंसान का रंग क्यों है हम भी तेरा ये ज़मीन भी तेरा ये मलकियत के जंग क्यों है ने वफा के बदले ने तिर वफांग क्यों है उसके बाद और एक लफ मैं आपको जोड़ूँ जिन्हें दी है तुमको आ, शोहरत उनका दिल इतना तंग क्यों है अता की है तुमको दौलत तो उनके दिल पे इतना जंग क्यों है तो मैं समझते हैं जो कुछ दिया ऊपर वाले ने दे दिया तो ऊपर वाले के ही राह में ऊपर वाले के ही बंदूक पे ख़र्चा किया जाए तो मैं सर आप नहीं मानोगे मैं लस्सी और दही और दूध का साथ नमक मिर्ची के बग़ैर में रोटी खाता हूँ मैं आपको मेरा खाना यही है मेरे खाने में दिन में पचास से ज़्यादा का खर्चा नहीं है मैं खाता ही नहीं हूँ ये आप घर में पूछ सकते हैं और मेरा कपड़े के मैं हालात कहूँ तो मेरे कपड़ा हर वक्त मेरे जो भतीजा हो मेरा दामाद हो या लड़का हो जो कपड़ा कुछ दिन पहनने के बाद छोड़ देते हैं मैं कहते है यार क्यों छोड़ते हैं भी उसको मैं पहन लेते हैं अभी आप देख रहे हैं मेरे ये है किसी नेपाली ने छोड़ कर गया था मजदूर ने क्यों ये इतना लंबा होते हैं ना जी उसको मैंने काट दिया इतना बढ़िया सा खूबसूरत कपड़ा अच्छा पहनने से इंसान अच्छा नहीं बनते हैं तो मैं ये सोचते हैं कि सोच को अच्छा बनाओ मेहनत करने का आदत बन जाओ तो वही हमारा कपड़ा भी है वही हमारा शरीर भी है वही हमारा सब कुछ है ये मेरा सोच रखते हैं तो आगे हाँ ये मछी के लिए तो मैंने कहा आप लोग देखें कि जू भी है आपने देखा अंदर हाँ जू में भी आपको जू में ये सोचते हैं जी जैसे तितर हो तितर लद्दाख का नहीं है और उसके बाद आपका टर्की लद्दाख का नहीं है और इस तरीके बहुत सारे चीज़ें आज से पहले लद्दाख में नहीं था इन्हीं चीज़ों पर मैं एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कौन कौन से चीज़ जानवर यहाँ रह सकते हैं कौन कौन से फ्रूट्स यहाँ पे आ सकते हैं और कौन कौन से फूल यहाँ पर आ सकते हैं इस तरीके से मैं एक्सपेरिमेंट बहुत ही एक्सपेरिमेंट मैंने करते रहा जी करते रहते हैं तो मैंने पावर हाउस बनाए थे इस गाँव को मैंने कहा कि आपसे आठ नौ साल पहले चौबीस घंटे इस गाँव को हमने फ्री में लेट दे दिया सर आप किसी गाँव वालों से आप सुन सकते हैं तो इसी तरीके से मैंने इस गेट को रिमोट पे चलने वाला गेट बनाया था क्योंकि आपको पता है आप जब गाड़ी में आते हैं तो आपको बड़ा दिक्कत हो जाते हैं गाड़ी से उतर जाओ गेट को खोलो फिर गाड़ी को थोड़ा अंदर लगा दो फिर गाड़ी से निकल जाओ फिर गेट को बंद करो इसमें मैंने बैटरी से चलने वाले रिमोट कंट्रोल वो कैसे सर गाड़ी का वेपर मशीन है वेपर मशीन एक वेपर मशीन सॉरी ये रिमोट कंट्रोल जो रिमोट से चलते ना गाड़ी का जो आपका आपका गाड़ी भी जो रिमोट कंट्रोल चलते हैं आज आप एक बार ऑन करता है तो लॉक ऊपर आ जाते हैं जब आप ऑफ करते हैं लॉक नीचे आ जाते हैं उसी मशीन को मैंने नौ सौ रुपये में ख़रीदा कबाड़ी से वेपर मशीन पचास रुपये में ख़रीदा दोनों को जोड़ दिया वेपर मशीन को गेट के ऊपर एक एक करके इधर रखा उसको कनेक्शन दे दिया आपका रिमोट वाले से गाड़ी में बैठे बैठे आपने यूँ दबाया तो ऊपर गया तो इसके साथ कनेक्ट हो गया दरवाज़ा खोला फिर और एक रिमोट दबाया इसके साथ कनेक्ट हो गया ही कट हो गया तो दरवाज़ा फिर बंद तो सर इस तरीके से काम करते रहते हैं सर यही है सर हमारे जिंदगी तो आपका नाम यही है या फिर रखा गया सर मेरा नाम असल में मोहम्मद अली है गोबा अली का मतलब ये है सर मैंने नहीं कहा 88 से हमने गोबा बना काम किया गोबा का मतलब हमारे यहाँ का हेडमैन को गोबा कहते हैं यानी गो में सर को कहते हैं हमारा सरपंच कहते हैं ना तो भी सर कहते हैं तो गोबा का मतलब है कि हेडमैन तो मेरे को अभी बीस इक्कीस बाईस साल मैंने जब गोबा का काम किया मेरी ज़िंदगी गोबा में रहा तो लोग गोबा अली के नाम से जानते हैं मेरे असली नाम से कोई नहीं जानते अपने यूट्यूब में भी मैंने गोबा अली लिखा हुआ जी और फेसबुक में भी गोबा अली आएंगे चाहे कहीं भी जाओ आपको गोवा ही देखने को मिलेंगे सर अभी गर में, गर में कौन है? जी मेरे घर में अभी मेरा पाँच लड़की है और दो लड़का है उसमें से तीन लड़की का शादी हुआ है दो लड़की का शादी नहीं हुआ है एक लड़की ए जी एस में यहाँ पढ़ते हैं दूसरा लड़की भी ए जी एस में पढ़ता था आर्मी को स्कूल में लेकिन अभी इस वक्त जे एन वी में पढ़ते हैं तो है तीन का शादी हुआ है दो लड़कों का भी शादी हुआ है दोनों लड़का हमसे अलग रहते हैं मेरे साथ नहीं रहते हैं तो उसका भी बहुत बड़ा रीज़न है ये भी हम छुपाएंगे नहीं लड़कों को चाहिए इधर गेट से टिकट ले ले लोगों को खूब लूटे फूल का पैसा ले ले इधर का पैसा ले ले उधर का पैसा ले ले टूरिज़्म को सब इधर लाए सब को लूट कर घर भेजें लेकिन मेरे दिल नहीं मानते हैं मेरे दिल नहीं क्यों नहीं मानते हैं कि यही देश ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है वही देशवासियों से हम पैसा ले लें ये मेरे बिल्कुल नहीं मानते चाहे मैं भीख मानना पड़े तो मांगे लेकिन मेरे घर आने वालों का हम स्वागत करेंगे हम इनसे किसी से पैसा टिकट नहीं लेंगे तो बच्चे नहीं मानते वो मानते हैं कि टिकट ले लो घर में ये करो वो करो वो मैं नहीं मानते हैं तो दोनों बच्चे अमीर बनने के लिए अलग किया तो मैंने बोला तुम अमीर बन जाओ मैं गरीब में रहूँगा तो ये है बच्चे दोनों अलग रहते हैं जी अब खूब अच्छा खाना खाता होगा तो अमीर होगा मैं तो रोटी ही खाता हूँ तो और मैं जब दिल्ली जाकर आप नहीं मानोगे मैं सौ रुपये वाला बेड में सोता हूँ रात को एक डोर आते हैं वो सौ रुपये में मिलता है तो और दस रुपये का दही पाँच रुपये को रोटी हम खाता हूँ और पेट पूजा हो जाते हैं सौ रुपये का बैठ में सो जाते हैं बाकी जो पैसा दस रुपए बचते हैं तो उसी दस रुपए में हम फूल हो या फ्रूट हो वो हम लेके आते हैं हम उस संडे मार्केट के कपड़े लेके नहीं थे ये मेरा अपना आदत है मेरे उसी आदत सब कब पीछे में हारता नहीं है जो मैंने सीखा है वही होते हैं तो एक मैं आपको बता दूँ एक वाक़ आते हैं कि एक आदमी एक कातिल का पास चला गया इनके बाप का कतिल था फलाना आदमी तो अब वो बाप का कातिल उनका बेटे के पास आया आने के बाद अब वो माफ़ी मांगने के लिए आया जो भी आया आया आने के बाद उसने बोला जी आपने मुझे पहचान लिया भाई मैंने आपको पहचान लिया तो मैं कौन हूँ तो उसने बोला जी आप मेरे बाप का कातिल है तो फिर आप मुझे इतना अच्छा क्यों करता है हम आपका बाप का कातिल है तब भी आप मुझे अच्छा करते हैं तो ये फरमाया कि तुमने जो सीखा है वो तुम करेगा मैंने जो सीखा है ये मैं करेंगे मुझे अच्छा सिखाना सिखाया है मुझे मेहनत करना सिखाया है मुझे हलाल का खाना सिखाया है, मैं वही करूँगा तुमको जो लोगों तुम को कत्ल करना लोगों को लूटना तुमको ये सीखा तुम वही करेंगे तो मैंने जो सीखा है सर तो आज जब मुझ पर क्या कभी परेशानी भी आ जाते हैं तो दुनिया कहते हैं जी हम झगड़ा तो खुद करता है पंगा खुद निकालता है जब हार जाने के बाद फिर बाबान के ऊपर नाम लेके चलो बाबान का फैसला छोड़ते हैं खुद ने लड़ा कुछ नहीं हो सका तो फिर बाबान का नाम लेते हैं तो हम कहते हैं देखो भगवान का नाम लेना है तो सब पे ऊपर वाले का नाम पे रखो ना तो मैं सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ के रखते हैं थोड़ा मिला तो खाया नहीं मिला तो आराम से बैठा मेरा अपना एक कविता से मैं आपको बता दूँ दिल मिले या ना मिले हाथ तो मिला दूँगा दिल मिले या ना मिले हाथ तो मिला दूँगा खंजर बगल में खुद ने देखा फिर भी चाय पिला दूँगा ईश्वर ने हर कोई नियामत अता की है उसे सबको फैला दूँगा शहर हो या मोहल्ला हर जगह रंजिश ख़त्म खुशी दिला दूँगा अली तेरे राह में कांटा बिछाते हैं उसे शमा दिखा दूँगा ये अपना एक कविता है तो उसके बाद फिर और एक कविता आते हैं आप लोगों को अब सारे यूथ है नौजवान है आप लोगों को हमें कविता बताते हैं तो शिकवा ऐ सब से अच्छा अपने हिस्से के दिया जलाते चलो अली तेरे राह में कांटा बिछाते हैं उसे शमा दिखाते चलो तो कोई भी आदमी अमीरी देख हम हैरान मत हो जाओ किस कोई आदमी सच्चा आदमी को दुनिया फेमस होता है तो उनको देख हैरान मत हो जाओ वो जो करता है आप भी करो आप भी उस जगह पे पहुंच जाएगा यही मेरा सोच है भाई साहब यही मेरा सोच है तो आपको एक शायद वो कविता आपने तो आप सुनाया होगा जो सलाम मोहब्बत भारतीय फौज वाला आपने सुनाया नहीं सुनाया नहीं सुनाए है नहीं सुना ना हाँ मेरे कविता जोड़ा जी ज्यादातर बोलने का टाइम नहीं होता है तो फिर मैं कविता की शक्ल में बोलते हैं सलाम में मोहब्बत भारतीय फौज को मेहनत से सदबा चलाने का जोश को चोटियों का सर पे मुस्कुराने का होश को जरूरत पे ताकत दिखाते हैं दोष को मुसीबत में उठाते हैं गमगीन की बोझ को जैसे मेरे उठाया मोहब्बत से तब्दीली कराते हैं सोच को चमका कर रखिए खेलते हुए रोज को मजबूत बना लो दोस्तों भारतीय फौज को अली तुम हौसला देते रहो सेना के जोश को तो ये कविता मैंने जोड़ा सर इस, इस इलाके के बारे में बाकी कविता खैर जब दिल जल जा जाते हैं तो कविता बन ही जाते हैं तो बाकी सर आप जो पूछेंगे तो हम उसको जवाब दूँगा जी था तो उसका आ, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ ऐसा तो तो उसमें? उसमें है, भाई उसमें क्या है? एक, एक था, विवेक गुप्ता जम्मू का एक एसपी साहब था उनका बहुत कठिन जिंदगी उन्होंने उनका मेहरबानी से मुझे पासपोर्ट बना मेरा फिर मैं पाकिस्तान गया मैं फिर पाकिस्तान से वीजा मिला तो फिर मैं आयासी गया था जी तो निन्यानवे में जो कि जंग हुआ था यहाँ पर भी जंग भी हुआ यहाँ बहुत मतलब लोग आ, जेल में भी गया लोग पकड़ा भी गया शायद ये तो आप लोगों ने सुना होगा तो इधर, इधर, फिर कुछ ना। जी नहीं नहीं सरहद बराबर रहा सरहद तो यही रहा ना हम भी चाहता था कि थोड़ा आगे चला जाए लेकिन इंडिया नहीं गया उधर मेरे, मेरे मम्मी भी चाहता था कि थोड़ा इंडिया आगे आए क्यों मैम जी